पार्टी बनाए सेक्ट्रू सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, उनको अगर नोटिस हो जाए और लॉ एंड जस्टिस क्या उनसे कहें कि ये कर दें, वो बताइए ना हमें जरा, हमारी मावनत कीजिए ना। लेजिस्लेटिव बिल उन्होंने बना के पार्लियामेंट में पेश करना है, क्यों आईन की मंशा यही है। एक सेकेंड, ये बताइए ना कि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं जो माशाल्लाह पढ़े लिखे और सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है पार्लियामेंट को कि कानून साजी करो, कर सकती है या नहीं कर सकती है? जब नहीं, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज आप जवाब दे दीजिए ना। नहीं कर सकती है, कर सकती है बिल्कुल। बताइए कौन से शिक के तहत, नहीं अच्छी बात है हम सीखेंगे, बताइए कौन सी शिक है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक भाई शिक बताइए ना, आईन की, आईन की बहुत सारी जजमेंट भाई आप हमें आईन की कोई शिक बता दीजिए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आईन ने अमेंडमेंट कर दिया है 1974 में, बताइए ना कौन सी शिक है कि हम ये हुक्म दे सकें कि कानून साजी करें, हम करेंगे फिर अच्छी बात है, बताएं हमें। यही मैं इंफॉर्मेशन के लिए ले की है इंफॉर्मेशन, अगर ये समझा जाए कि ये आप कर सकते हैं, मेरी तो ये गुजारिश है कि उनसे पूछा जाए 50 साल हो गए क्यों लेजिस्लेट नहीं किया। किससे पूछे, ये पार्लियामेंट से? पार्लियामेंट से नहीं जी, मैंने गुजारिश की फेडरेशन की पार्टी मैंने बनाया है, लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्ट्री है वो, लॉ एंड जस्टिस कमीशन, दे आर माय रेस्पोंडेंट्स। लेजिस्लेचर तो मेरा रेस्पोंडेंट केस में नहीं है, गुजारिश है कि लेजिस्लेशन कौन करता है, सरकार करती है या पार्लियामेंट करती है? प्रपोज करती है जी सरकार, नहीं कोई भी कर सकता है, ट्राइबल मेंबर कैन डू इट, नहीं सरकार करती है। नो नॉट एट ऑल, लेजिस्लेटिव बिल सरकार ले, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर मैं रहा हूँ उस मिनिस्ट्री, आपको कुछ पता नहीं है ना, फिर मैं सुन तो लेना। मैं गुजारिश, लेजिस्लेशन एक अदना मेंबर भी कर सकता है, यस, लेकिन अगर अदना मेंबर ना करे तो आईन का जो रियासती इदारा है जिसकी ड्यूटी है वो ले करेगा, लेजिस्लेटिव बिल तो ले करना है किसी। आपने कोई ड्राफ्ट बनाया है, पेश किया? मैं पेश कर देता हूँ, हुक्म दे, हम हुक्म कोई नहीं देंगे ना, आप आए हैं हमारे पास पिटिशनर, मैं बिल्कुल मैं असिस्ट कर सकता हूँ, मैं बिल बना। नहीं कोई आप हमें कोई आईन को कानून की बात करें, नहीं तो हम दूसरों को सुने जरा, बिल्कुल उनको भी सुन लें। अच्छा तब चलिए फिर आप तशरीफ रखें, हमें आपकी बात कुछ खास समझ नहीं आई है, क्योंकि जहां तक हमारी समझ है, हो सकता है गलत हो, वो है कि हर इदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए, हम पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकते हैं कि लेजिस्लेशन करो, लेकिन लेकिन या अगर आप हमें रहनुमाई करें इस बात पे कि हम ऐसा हुक्म कर सकते हैं। अगर एक आप जरा रियासती इदारे ने आंखें बंद की हो तो किसी ने, मैं एज इन्फॉर्मेटर्स कोर्ट के पास आया हूँ, यही इन्फॉर्मेशन लॉ स्ट्राइक डाउन तो कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट से कोई मुतजादम हो, वो स्ट्राइक डाउन करने के पावर है, वायरीज ऑफ द लॉ, कल आप ही हम पे तनकीद करेंगे कि हमने हुक्म दे दिया पार्लियामेंट को कानून साजी, पार्लियामेंट को नहीं कह रहा मैं, फिर किसको हुक्म दें? जिसका था काम उसने बिल ले करना था, वो था फेडरेशन, और उसके लिए एक मिनिस्ट्री बहुत बड़ी बनी है, चलिए ठीक है, और लॉ जस्टिस कमीशन बनाया है। खुशदिल खान साहब कोई और बात कीजिए ना, मैं समझ आए बात, ये तो एक और है। एक सर आपसे मुतालिक एडमिनिस्ट्रेटर, एक CPLA 875/2023 मेरी है, यहाँ 13 नवंबर को लगी, डी लिस्ट किसी ने कर दी, मैंने जनाब को कंप्लेंट आपके चैम्बर में की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो इंफ्रक्चुअस हो जाएगी, मैं निगरान वजीर था, डी नोटिफाई हुआ, मैं उसके एक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां आया हूं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया। आप जरा जरा ऐसे ना, ऐसे बातें ना कीजिए ना, पहली बात आपको मेरे चैम्बर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप जरा खामोश रहिए, जरा सुन लीजिए बात जी, बिल्कुल ये बिल्कुल गैर मामूली, ये बिल्कुल बात गलत है जी। दूसरी बात, ऐसी कोई दरख्वास्त मेरे पास नहीं आई है जी, ठीक है, अगर आप ये फोरम इस्तेमाल करेंगे अपने जातियात के लिए वो अलग बात है, नहीं जातियात तो आप क्या, वो जो पिटीशन आज लगी नहीं है, अगर आप कानून पढ़ लीजिए जरा सा, तो आप जरा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे जी सर,